मुस्तांग के एपिसोड में स्वागत है गाइस। आपको पता होगा ड्रीम राइड हमारा शुरू हो गया था, पर यहाँ के आके ना हम लोग का जो मैंने कैंसल बोला था ना, बट यहाँ पे हमने ना सर जी लोगों से ना बात करके फाइनली हो चुका कंप्लीट, यानी कि हम लोग जा सकते हैं मुस्तांग भैया। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, मां कसम यार। यहाँ से आप ये खूबसूरत से नजारा देख रहे हो गाइस, पूरा का पूरा पहाड़ों के ऊपर कोहरा ही कोहरा चल रहा है, और यहाँ से तो पूरा मुस्तांग का रिलीजन शुरू होता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टेलर है गाइस, आगे पूरा मूवी है आपको हम दिखाएंगे। अभी ये है ना भैया के ऊपर मेरे को गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली ये भैया को ना पता था ये पोखरा में बनाता है परमिट, पर भैया ना इतना ज्यादा बीमार हो गया ना, इसका बत्ती गुल हो गया। एक्चुअली मैंने उस वक्त एक बार कहा भी था, बट उसके बाद तो और मैं सीरियस हो गया था, तो उसके चलते पता ही नहीं चला। यहीं पे आके चेक पोस्ट देख के मुझे पता चला, अरे भाई परमिट तो बनाना पड़ता है नीचे बोलकर। और यहाँ पर क्या हुआ, अभी डबल चुना लगा हमें, 2000 की जगह 4000 लग रहा है, यानी कि 2000 एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ रहा है। कोई नहीं, अभी पे करेंगे, बिकॉज भाई हमारे ड्रीम राइड के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और मैं बता दूं गाइस, मैं और अपना निंजाना पहली बार मुस्तांग हिट कर रहे हैं। यू डिड इट ब्रो, अब यहाँ से तो आगे का सफर एक अलग ही दुनिया में हम चलाएंगे अपने बाइक को, अपने स्कूटर को। राइड करते करते ना बहुत ही ज्यादा भूख लग गया, तो ये जगह है जाके अभी कुछ खाते हैं। और आपका भाई का हाथ देखो ना भाई, ये है रियल स्ट्रगल। ओहो, देसी ब्लॉगर फाइनली परमिट बन चुका है गाइस। बन गया ना? बन गया भाई, ड्रीम कम्स ट्रू गाइस, फाइनली अब मुस्तांग हिट करके रहेंगे। यहाँ पे अपना बाइक देख सकते हो गाइस, जितना गंदा उतना खूबसूरत होते जा रहा है, बिकॉज इसने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। चलो बढ़ते हैं मुस्तांग की तरफ। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली। फाइनली यहाँ से शुरू होता है मुस्तांग रिलीजन। ड्रीम कम्स ट्रू यार, कोई भी बाहर से आते हैं ना गाइस, पोखरा में ही अपना परमिट वगैरह बना लेना 1000 पर पर्सन करके, ठीक है। यहाँ से बनाओगे तो फिर 2000 करके लेगा पर पर्सन। जैसे मुस्तांग इंटर किया ना गाइस, वैसे वेदर और यहाँ का वाइब अलग से आ रहा है यार। चल 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 चल, हमारे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बहुत ही मजा आ रहा है। ये आंखों से जो खूबसूरती दिख रहा हूँ ना गाइस, ये सीधा जाकर मेरे सोल पर टच होगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना गाइस, आपके लिए और हमारे मेमोरीज के लिए हम बना रहे हैं। तो या जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर देना। पर सोचा नहीं था कि ये नेपाल राइड ना इतना एडवेंचरस और इतना मजा आएगा। अरे गाइस देखो ना, गोप्रो ना बार बार प्रॉब्लम दे रहा है दोनों का, एक एक सेकंड में बैटरी स्विच अप हो रखा है। गोप्रो को ना इसके ऊपर काम करना चाहिए, पता है ठंडा जगह पे पूरा ड्रेन होता है बैटरी। ये गोप्रो वालों को टेक करो गाइस, गोप्रो कंपनी अगर देख रहे तो इसके ऊपर प्लीज काम कीजिए यार। पर यहाँ से जो हिमालय देख रहा है ना गाइस, पूरा बर्फ से ढका हुआ है भाई। तिमिलाई देखे रा हिमालय हंस को, कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। और लेफ्ट साइड में व्यू, अरे मां दादा एटा की भाई साहब, ये तो हेवन है। ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में हूँ, और मैं ये सपने से उठना नहीं चाहता हूँ भाई। भाई हिमालय से को, बट ठंड के मारे ना पूरा शरीर फ्रीज होने लगा है यार। अय्या मां, अभी बोक्सी खोला बाजार में आप पहुंचे हैं। और नेपाल का मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगा पता है गाइस, नेपाल में ना बड़ा पुल हो या छोटा पुल हो, हर एक पुल का नाम है। ऐसे क्या होता है ना, आपको याद रहता है कि हाँ ये पुल ये है और ये जगह से वहाँ ये जगह है। बहुत ही अच्छा यार ये। अभी ना हम लोग पूरा का पूरा हिमालय के अंदर है, और ये हिमालय के अंदर देखो ना कितना अच्छा रोड है यार। मोनिका Oh my darling! हम दो भाई फाइनली पहुंचने वाले हैं गाइस मुक्तिनाथ। और यहाँ से ना ये रोड ना वो पहाड़ के दूसरे पहाड़ तक है, हमें वही जाना है। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ गाइस। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ की रातें, तेरी आँखों। ओ भाई साहब, ये खूबसूरत जगह के नीचे देख रहे भाई, ये सारे के सारे एप्पल के पेड़ है। पर अभी ना एप्पल हुआ नहीं है, आई थिंक सीजन नहीं है। तो फिर से आ चुके ऑफ रोडिंग, अभी तो जितना भी ऑफ रोडिंग आया यार, ये नजरे के सामने कुछ फील ही नहीं होता है, कहाँ दर्द कर रहा है क्या क्या हो रहा है। बस ऐसा मन कर रहा है कि ये खूबसूरती को ना देखते रह जाओ। ये कौन सा विलेज है, काफी प्यारा है यार।
ये ब्रिज में टंगा हुआ ना, इसका लुंगर कहते हैं, काफी प्यारा दिखता है इससे। गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे बॉम के साइड में ना बहुत ही बड़ा घाव हुआ है, लाइक पीलो टाइप का, तो वो टच होने से ना बहुत ही दर्द हो रहा है यार। मैं रोना चाहता हूँ पर ये ब्यूटी को देख के ना आंसू रुक जा रहा है। जिंदगी में के अनुभव अनुपायो भगवान। और कमेंट में बता देना गाइस, मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो, ठीक है? मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा आप लोगों का और रिप्लाई करने का जरूर ट्राई करूंगा। गाइस मैं आपको रियल लाइफ हेवन दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई साहब, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार। और वो साइड में देखो ना भेड़िया वगैरह, वो भेड़ा पाठी बोका। अरे यार चुम्मस वार यार, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में मैं ऐसे जगह आ पाऊंगा, माँ कसम। मतलब जो दुख दर्द पीड़ा यहाँ आने के लिए हमने कष्ट किया था ना, ये ब्यूटी को देखकर सारा खत्म हो गया ना भैया। पक्का है भाई, पक्का भाई साहब, ये कुछ इस तरीके का। तो हम ना गलत रास्ता आ गए, यहाँ से नीचे होकर जाना पड़ेगा। जैसे ही मुस्तांग रिलीजन इंटर हुए, इतना खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखा। रीजन नॉट रिलीजन, अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने तो रिलीजन बोल दिया, अच्छा सॉरी। जैसे हम लोग ये मुस्तांग के रीजन पे इंटर किया ना, वैसे इतना खूबसूरत जगह मिल रहा है ना, हम पूरा रुक के ना फोटो वीडियो लेते जा रहे। भैया बोल रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, मूवी अभी बाकी है, ये तो शुरुआत है ना, अभी जन्नत तो और बाकी है देखना। तो चलिए जन्नत देखते है गाइस। अभी हम लोग बारसा में आप पहुंचे हैं और मेरे ठीक लेफ्ट साइड में देखो ना गाइस, कितना अजीब सा पहाड़ है यार, पूरा का पूरा टकला है। और ठीक मेरे राइट साइड में देखो भाई, फिर हिमालय के ऊपर बर्फ पड़ रही है। और ये घर का डिजाइन वगैरह देखो ना यार, ये सब तो मैं मूवियों में देखा करता था, आज रियल लाइफ एक्सपीरियंस भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। भाई नहीं, यो जगह का नाम क्यों हो, यो जगह का नाम क्यों, यो प्लेस का नाम मार्फा। ओके थैंक यू, मैंने गलती कर दी, वहाँ पे मैंने ना बारसा बोल रहा था, ये जगह का नाम है मार्फा। लो भाई इंटर हो गए। ओ ओ ओ ओ ओ, सच बताओ ये मैंने नेपाली मूवी में देखा हूँ, वो मूवी कौन सा है पता नहीं बट देखा हूँ। ओ भाई, ओ माने पेदमे ओम, ओम माने पेदमे ओम। भैया हमें कौन सा रास्ते होकर ले जा रहे हो, अरे ये तो पूरा गली में ढुका दिया। ओ गजब गजब भाई, मार्फा में अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये मार्फा मार्केट है गाइस। एकदम सही है भाई, हेवन पे आ गए। मैन ये क्या चीज है, इतना फोर्स है ना ये पानी में, अगर मैं ये रास्ता जाऊंगा ना भाई, वहीं पे डूब के मर जाऊंगा। सेट यार, अरे ऊपर में पुल था, तो ऊपर में पुल होते हुए हम नीचे से क्यों जा रहे। होय होय होय, ये जगह देख रहे हो, 5-5 मिनट में नजारा चेंज हो रहा है। होय होय, आप लोग को पता होगा डोरेमोन कार्टून गाइस, मैं ना वही डोरेमोन कार्टून का ना मैं नूबिता हूँ। और मेरे पास ना डोरेमोन था और उसका पॉकेट भी था, और उसका पॉकेट से ना वो डोर निकलता था, जो डोर एक ही बार में खुलने से मैं जहाँ जाऊँ ना वहीं मैं पहुँच जाता था। बट मेरे को ऐसे नहीं पहुँचना था, मेरे को रियल अपन खुद स्ट्रगल कर रहे, खुद चला के, खुद आँखों से देख के वो अपना ड्रीम डेस्टिनेशन पहुंचना था, इसीलिए हम खुद आए हैं। नहीं तो अपना डोरेमोन भाई है, छोटा ही भाई है भाई, उसके पास पॉकेट है, बैम्बू कॉप्टर, अरे बहुत सारे गैजेट्स है। डोरेमोन कार्टून किस किस ने देखा छोटे में कमेंट कर देना, मेरा तो फेवरेट था यार। सच बता दूं तो मेरे पास ना हल्का पावर भी है, बट मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये धरती बहुत ही सिंपल है। तो अपना जो गुस्सा एंगर करके मैं हल्क बन जाऊंगा, फिर सब तोड़ फोड़, फिर मेरे को तो लोग गाड़ मार देगा, तो इसीलिए मैं हल्क ना अपने अंदर ही छुपा के रखता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा हूँ ना। अभी मेरा हाल ऐसा हो चुका है कि ना रहा बांसुरी, इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है। बहुत लंबे समय से राइड कर रहा हूँ और यहाँ का रास्ता कुछ एक्सट्रीम ही अपरोड है भाई। अभी हम लोग जुमसुन में पहुँच गए हैं और ठीक हमारे राइट में देखो गाइस, जुमसुन का एयरपोर्ट है ये, लाइक यहाँ से प्लेन उड़ता है भाई इतने पहाड़ों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, और ये एक्सट्रीम ऑफ रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। प्लीज़ भगवान शक्ति दो हमें। सो
गाइस फाइनली मुस्तांग कागबेनी पहुंच गए हैं। अभी हम लोग होटल कासा में रुके हैं। मैं बता दूं यहां से ना 15 किलोमीटर दूर मुक्तिनाथ है जो कि हम कल जाएंगे। लाइक आप सोच रहे भाई बातों बातों में फाइनली आपका भाई ने ड्रीम कंप्लीट कर दिया। भाई ड्रीम राइड कंप्लीट कर दिया, फाइनली मुस्तांग आ गए। सोचा नहीं था कि हम आ पाएंगे बिकॉज भैया का हालत इतना बीमार से पोखरा में पूरा अलस तलस हो गया था। भैया तो बोल ही दिया था भाई नेक्स्ट टाइम करेंगे। और जब ये नेक्स्ट टाइम बोले करेंगे बोला ना, मैं तो सौदमी में चला गया था। अब वहां पे क्या हम वहां पे जबरदस्ती भी नहीं कर सकते भैया को कि चलो चलो चलो। मैंने भी रुका 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 पर भैया ने वहां पे भी दवाई लिया, इसका दोस्त ने ना दवाई दवाई ये वो बोला। जैसे ही खाया एक दो घंटा बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ। फिर जैसे निकला बारिश आया इतना ज्यादा, और बारिश में ही हम राइड किए, पूरा भीग गया। इसीलिए साथ साथ बारिश ने और भिगा डाला, इसीलिए मेरा वॉइस देख सकते बुरा ये हो गया। और भैया का तो क्या ही बोले यार, यू आर लेजेंड ब्रो, यू आर लेजेंड। अभी तो तुम भी उसमें शामिल, हम दोनों ही लेजेंड, कोई बोले या न बोले पर हम दोनों लेजेंड है। बिकॉज एक स्पोर्ट्स बाइक निंजा और एक स्कूटी, भाई मामूली बात नहीं है। ये आते वक्त तो और भी कितना खतरनाक ऑफरोडिंग था भाई। अभी यहाँ पे हमारा कपड़ा वगैरह है जो निकाल कर अभी पहनेंगे, और खाना वाना अभी यही होटल में खाएंगे। और यहाँ पे हमारा गर्म पानी आ चुका है, अभी पानी पियेंगे। और हाथ देख रहे हो, ये हाथ नहीं है भाई, ये थोड़ा हो चुका है। रॉक लावा फैमिली हम लोगों ने कर दिखाया यारो, मेरे लिए ना सही हमारे रॉक लावा फैमिली के लिए एक लाइक। और मेरे माँ और पापा देख रहे वीडियो, थैंक यू सो मच इतना अच्छा जिंदगी देने के लिए। फाइनली हम मुस्तांग आ गए, कसम से ये मेरा ड्रीम था जो कि कंप्लीट हो गया। और मेरा स्टोरी बता देता हूँ गाइस, लाइक यूट्यूब में आना ना मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, पर जब से स्टार्ट किया हूँ ना तब से मेरा जिंदगी पूरा का पूरा बदल गया है। जो हम छोटे में सपने देखा करते थे ना वो आज पूरा होते 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 जा रहा है। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज आपने ही हमारा जो भी सपना वगैरह जो भी अब अच्छा जिंदगी चल रहा ना आप लोग की वजह से पूरा हो पा रहा है। नाम रोक लामा अब बाप को सलाम ठोक, जो भी सपने देखे हो गए आज सब कुछ, मेहनत करके मैंने पा लिया है बहुत कुछ।